एक दिल है और कितने गम है, टूटे हुए अंदर से हम हैं, किससे पूछे कौन बताए, वक्त ने तोड़े क्यों ये सितम है, एक पल कहीं लाइबा, क्या हो गया इस लड़की को? लाइबा, लाइबा उठो, देर हो रही है, पेपर है आज तुम्हारा। अभी कहा भी था आपको, 5:30 बजे उठा दीजिएगा। 3 बजे सोई हो बेटा, 5:30 बजे उठा दूं ताकि सारा दिन तुम सोती रहो उंगती रहो। भाई आज का बहुत मुश्किल पेपर है, मुझे रिवाइज भी करना था। ओफो, तैयारी कर लेना, और बहुत अच्छी तैयारी की है तुमने, तुम देखना पेपर कितना अच्छा होगा तुम्हारा। अब उठ जाओ बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर नाश्ता कर लो। अम्मी मुझे नमाज भी पढ़नी थी, मुझे दुआ भी मांगनी थी ताकि मेरा पेपर अच्छा हो। चलो बस ठीक है, अब दोबारा नहीं आऊंगी मैं, उठो जल्दी से, उठ जाओ। लाइबा उठ जाओ ना, मैंने आज आराम से ऑफिस जाना था, सोचा था थोड़ी देर सो लूंगी, तुम उठ नहीं रही हो। अम्मी उठ गई। अली बेटा, अली उठो। क्या है अम्मी, थोड़ी देर और सोने दे। क्या उठ जाओ जल्दी से, तुम्हारे अब्बू की नींद खराब होगी वरना फिर वो नाराज होंगे। सिर्फ 2 मिनट और दे दे। आज मैंने अपने बेटे की पसंद का आलू का पराठा बनाया, जल्दी उठो, शाबाश। मैं नहीं लेके जा रहा आलू के पराठे स्कूल, रोजाना यही लेके जाता हूँ। अच्छा क्या चाहिए मेरे बेटे को बताओ? सारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक और बर्गर खाते हैं, सिर्फ मैं ही आलू के पराठे लेके जाता हूँ। अच्छा बताओ वो कितने का आएगा? सिर्फ 50 रुपए का। 50 रुपए का? अच्छा ऐसा करते हैं, आज तो तुम पराठा ले जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जुमे को मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। नहीं ना भाई, मुझे आज ही चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं अब्बू से ले लूंगा। क्या कर रहे हो, उठ जाएंगे। क्या बेटा, अभी चलो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, वैन आने वाली है, नाश्ता भी करना, ब्रश भी करना, कितना टाइम लगेगा। उठे शाबाश। ये हुई ना मेरी बात, बुड्ढा बच्चा शहजादा। तैयार नहीं हुई अभी तक, चेहरे पे 12 क्यों बजे में, इम्तिहान की तैयारी नहीं की क्या? आपी तैयारी तो बहुत अच्छी है, मगर फिर इतनी उदास क्यों हो? आज मेरा आखिरी पेपर है। तो भाई फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुश कैसे होंगी, आज मेरा मैट्रिक का आखिरी पेपर है, और अब्बा ने कहा है कि मैट्रिक के बाद मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, घर में बैठ जाऊंगी।
भाई मैट्रिक का तो उन्होंने भी मुझे कह दिया था कि अब आगे नहीं पढ़ना, लेकिन देखो इंटर कर ही रही हूँ ना, भले उनको पता ना चले। अभी आप तो बहुत बहादुर हैं, लेकिन मैं राय बाप बैठो यहाँ। बहादुर बनना पड़ता है मेरी जान, यहाँ पर कोई भी आपको आपका हक प्लेट में रखकर नहीं देता। खैर छोड़ो, तुम उदास मत हो भाई, खुशी खुशी पेपर देने जाओ। जहां तक रही तुम्हारी आगे पढ़ने की बात, तो तुम और अली दोनों आगे पढ़ोगे चाहे कुछ भी हो जाए। मगर अब्बू भाई, एक तो तुम्हारी सुई वापस आकर अब्बू पर ही अटक जाती है, मैं भी तो पढ़ ही रही हूं ना, उन्हें पता चला तुम्हारा भी नहीं पता चलेगा। तुम और अली दोनों के दोनों ग्रेजुएशन करोगे, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मैंने कह दिया ना, अब टेंशन मत लो, जाओ जाकर तैयार हो जल्दी, इम्तिहान पे पहुंचोगी तो इम्तिहान दोगी ना। एक तो ये, अरे दो दिन से फोन किए जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है। हेलो हेलो, ओ भाई कुछ बोल, काट दे। आप ही ये कहीं कोई आपसे खामोश मोहब्बत तो नहीं करने लग गया? अगर मुझे अच्छी तरह जानता होगा ना, तो ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही है। याद है अभी उस दिन एक लड़के का क्या हाल किया था आपने? जारे ने मोहब्बत का इजहार ही तो किया था, और आपने उसकी शिकायत जाके उसके अब्बा से लगा दी। बहुत बुरा किया था आपने उसके साथ। बिल्कुल ठीक किया था। लड़की और मोहब्बत तुम नहीं जानती, ये मोहब्बत मोहब्बत सिर्फ उनका एक ढोंग होती है लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए, समझी तुम? जी समझ गए। लेकिन आप ही पता है क्या मेरा क्या दिल करता है? क्या दिल करता है? मेरा दिल करता है कि मुझे बहुत हैंडसम सा लड़का आके देखे और मेरा दीवाना हो जाए। और फिर? और फिर वो मुझे प्रपोज करे और मुझसे शादी कर ले और मुझे शादी करके अपने साथ ले जाए। अरे वाह वाह भाई, यहाँ तो पूरे पूरे ख्वाब से जाए जा रहे, बल्कि पूरी मूवी ही बना डाली। दो थप्पड़ लगेंगे ना, ये सारी मूवी जो है ना सर क्लाइमेक्स एंड हो जाएगा, समझी? हैंडसम लड़का, पहले ये तो सोच लो कि मूवी का विलन तुम्हारे अपने घर में तुम्हारा ही बाप है। आप ही चलो, अब ज्यादा बातें मत करो और तैयार हो जाओ, खुद तो देर कर ही रही हो, मुझे भी देर कराओगी। ठीक है ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन आप याद रखिएगा मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा जरूर मिलेगा। उनको ख्वाबों का शहजादा ढूंढना। लाइबा जल्दी कर लो, खुद तो देर हो गई है, मुझे भी देर करवा रही हो। शहजाद कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही थी। भाभी एक्चुअली वो एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल चला गया था। मतलब आज भी देर हो गई? हाँ आज भी लेट हो गया। यानी वही जो रोज होता है, आज भी देर हो गई है ना? ज्यादा ज्यादा क्या होगा भाभी, तनख्वाह कटेगी और क्या। इसीलिए तो कहती हूँ शहजाद के खुदा के वास्ते, प्लीज 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 भाभी प्लीज, मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ, मुझे सुबह सुबह शादी के ऊपर नो लेक्चर। शादी कर लेने में बुराई क्या, कम अज कम इस घर में से बच्चों की कलकारियों की आवाजें तो आएंगी ना। हाँ कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं आप भाभी, शादी तो मैं करूंगा और जरूर करूंगा, मगर उससे जो मेरे दिल को लगेगी। अरे भला ये क्या बात हुई, लड़की दिल को लगेगी? लड़की है कोई गोली थोड़ी है, दिल को लगेगी। इस लड़के का भी ना कोई हाल नहीं है। नैना ये नैना।
सकीना, ए सकीना, सकीना कहाँ हो भाई, आओ। जी आ गई, रोटी बना रही थी ना इसलिए देर हो गई। एक तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि जब भी तुम्हें पहली दफा मैंने पुकारा तुम कभी नहीं आई। वो मैं रोटी बना रही थी ना, अगर छोड़ के आती तो जल जाती। कोई काम था? अरे भाई काम क्या है, नंगे खड़े हुए तकरीबन, कपड़े कहाँ है मेरे? ये रखे, मैंने प्रेस कर दिए थे, आपने तौलिया डाल दिया उसके। क्या बात, तौलिया डाल दिया, कपड़े तो अच्छे निकाले हैं। वाह क्या स्त्री की है, क्या स्त्री की है ये, इस तरह करते हैं स्त्री। मैं ऑफिस जाता हूं, इज्जत है मेरी कोई? दोबारा कर देती हूँ। हाँ हर बात का जवाब है, दोबारा कर देती हूँ, तीन बार कर देती हूँ, चार बार कर देती हूँ, अंडा ऐसे तल देती हूँ। पहली दफा क्यों नहीं सही काम होता है? चुप, जगह करके लाओ। क्या यार, किस्मत में यही लिखी थी क्या कि बस ले आओ बेटियां पैदा करवाओ, बोझ बन जाए, नौकरियां करते फिरो, इधर से उधर जाते फिरो, इसकी जायदाद उसके पास, उसकी जायदाद इसके पास, इसके लिए रह गया, तो करके लाओ। खाली गालियां, मिल गया आपको सुकून? थकती नहीं अम्मी आप? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी अपनी गलती थी, मैंने कपड़े प्रेस करके बेड पर रख दिए थे। अम्मी आपकी गलती ये नहीं, गलती ये है कि पहले आप उनका जुल्म सहती हैं और उसके बाद सफाइयां भी पेश करती हैं उन्हीं के लिए। खामोश हो जाओ, ये हमारा मामला है, तुम हमारे बीच में क्यों बोलती हो? जाओ अपने कमरे में। आपकी इसी वजह से हम सब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। क्या हुआ भाई है? आ नहीं भाई, आप जब हुक्म करोगे यार मैं हाजिर हो जाऊंगा ना। चलो ऐसा करते हैं कि बस रात को जो है ना कढ़ाई मेरी तरफ से है। अब पक्का है? पक्का भाई। हाँ आप फिर शाम को मिलते हैं ना? अच्छा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज भाई। बड़े मूड में हो, बड़े मुस्कुरा रहे हो, कभी घर वालों से भी इस खुश मिजाजी से बात कर लिया करो। कौन है यहाँ पर जिसे खुश मिजाजी से बात करूं मैं, बताओ कौन है? क्यों तुम्हें मैं नजर नहीं आती घर में? अब क्या बात करूं मैं तुमसे, मुझे ये बताओ है क्या तुझमें जो तुमसे बात करूं मैं? शादी के इतने सालों में तो दुश्मन से भी दोस्ती हो जाती है, और एक तुम हो कि तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं मुझसे करने के लिए। ये अल्लाह की बंदी, क्यों सुबह सुबह मेरे दिमाग की दही बना रही हो तुम? चलो जाओ निकलो, जाओ। ओके आउट यार। बस जरा सी शिकायत करो तो यही अंजाम होता है। पता नहीं कौन से मियां बीवी होते हैं जो ढेरों बातें करते हैं। मैं बताऊं, वही मियां बीवी होते हैं जिनके बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बातें करते हैं। ऐसा कौन सा मर्द है मुझे बताओ जो बला वजह खामखा फजूल में अपनी बीवी से बातें करता रहता हो? बताओ कौन है, कौन है, कौन है? अच्छा बस तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बात आ जाके बच्चों पे ही खत्म होती है, और कोई ताना नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए। हाँ तो किसने बात शुरू की थी? तुमने की थी ना? अच्छा भाई माफ करो, मेरी ही मत मारी जाती है जो बिला वजह तुम्हारे मुंह लगती हूँ। हाँ तो किसने कहा था मुंह लगने को? हैं? काम का सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया तुमने, नालायक कहीं की बदतमीज। इधर इधर
ये रोज तैयार होगा कहाँ जाती ट्यूशन पर ट्यूशन ट्यूशन पढ़ाने ये बाहर कब से पहले तो तुम घर पे पढ़ाती थी घर पर ट्यूशन के इतने पैसे नहीं मिलते हैं जितना बाहर जाकर पढ़ाने से मिलते तो पैसों की इतनी जरूरत क्या अब्बा हम लोग जीते जागते इंसान हैं हमारी भी जरूरियात आप जितने पैसे देते हैं उसमें घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किलों से चलता है ऊपर से अली का स्कूल और बाकी खर्चे कहां से पूरे होंगे ये तो अपनी वालदा माजदा से पूछो भाई अगर फोड़पन ना करती तो आसानी से गुजारा हो जाता दुनिया में हर चीज का इल्जाम आप मेरी माँ पर क्यों डाल देते हैं बदतमीज बनाया हुआ इनको बदतमीजी कर रही है मुझसे ए, ए, औरत है तू औरत दूसरे घर जाना है तुझे ये अगर जबान ये तेरी गजगज भर की चलेगी ना दो दिन गुजारा नहीं कर सकती वहां पूछ पूछ ये खड़ी है तेरी मां एक नंबर की फुअर इसको कोई बर्दाश्त कर सकता था मुझ जैसे शरीफ आदमी ने इसको बर्दाश्त किया है और सुन तेरा बाप हूं आज नसीहत कर रहा हूं गिरा में बांध ले औरत चुप रहने वाली चीज है चुप जबान को बंद रख अपनी अबू सबसे पहली बात ये औरत चीज नहीं है जीता जागता वजूद है उसके भी जज्बात है उसको भी तकलीफ होती है जैसे बाकी जानदारों को होती है और मुझसे खामोश रहने की उम्मीद तो आप बिल्कुल मत रखिएगा बदतमीज लड़की बाप से बदतमीजी करती मुझसे बाल नाश्ते तो करते जाए चुप समझा अपनी बेटियों को बदतमीजी ना किया करे मुझसे क्यों बहस करती हो तुम बताओ क्यों बहस करती हो औरत को पता नहीं क्या समझते उनकी नजर में औरत क्या है सिर्फ एक गुलाम तो मॉडलिंग का शौक है आपको जी आप मॉडलिंग करना भी चाहती हूँ और आप समझने की जरूरत भी है तो कोई पोर्टफोलियो होगा आपके पास आप नहीं सर पोर्टफोलियो बनवाया तो नहीं है मगर मैं अपनी कुछ तस्वीरें लाई थी अगर आप ये देखना चाहें अबू मैंने आपसे कहा था मैं रोज स्कूल 50 रुपए लेके जाऊंगा हाँ तो कहा था तो ले लिया करो बेटा लेकिन अम्मी नहीं देती ना कहती है मेरे पास नहीं अपने अबू से ले लो बेटा तुम्हारी माँ तो है ही ना शुक्री